काला धनिया लग चुका है भाई को, साइज वाला है माशाल्लाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदिल मिर्ज़ा व्लॉग। प्लान है फिशिंग का, तो आज जा रहे हैं हरजीना, तो हरजीना के अमालो पॉइंट पे खेलेंगे। तो हमारे साथ आज जा रहे हैं सज्जाद भाई, अली भाई, अनास और हबीब भाई। भाई आज मछली बड़ी पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, मैं बता रहा हूँ मछली पकड़ेंगे छोटी। हर बार हम बोलते हैं बड़ी पकड़ेंगे, लेकिन इस बार पकड़ेंगे छोटी इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस सही है। तो फिर जब तक आप रास्ता एंजॉय करें। अभी स्टॉप लिया है ढाबी जी पे, होटल पे, यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे। और आज गर्मी बहुत है, कल देखो क्या का फ्राई बनता है। तो बस अब सारे बैठे हैं, सारे बैठे हैं, अब वेट कर रहे हैं, देखते क्या खाना आता है। तो खाना खाएंगे, चलेंगे यहाँ से आगे। तो खाना आ रहा है, तो आपको दिखाते क्या आता है। सज्जाद भाई कहाँ जा रहे हैं आज? हरजीना से बिगड़ी वाला से थोड़ा सा आगे अमालो। अमालो वहाँ की रिपोर्ट अच्छी है, इंशाल्लाह जाके चेक करेंगे। क्या छोटी छोटी या बड़ी? छोटी नसीब की होती भाई, हम लाते ही छोटी हैं, क्योंकि हम मैंग्रोव में जाते हैं ना, मैंग्रोव में छोटी लगे। हाँ, तो हरजीना से अमालो एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ खेलेंगे, देखते क्या रिजल्ट आता है। डिबरी वाला से थोड़ा सा आगे, तो बस चलते हैं अभी, फिर देखेंगे आगे। रिपोर्ट अच्छी है बस। तो आज खाने के अंदर है माश की दाल और ये पता नहीं क्या है, अभी खाते हैं खाना। अंडा वो डाला और सलाद भी आ चुकी है, तो अब खाना खाते हैं, फिर मिलते खाना खा के। और मेन चीज़ रह गई थी रायता, वो भी आ चुका है, खाते हैं। हाँ भाई कैसा था अभी भाई खाना? मज़ा आ गया? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? नाम है नावेद भाई। कैसा था खाना? मज़ा आ गया? हाँ अली भाई मज़ा आ गया? हाँ भाई मज़ा आ गया। तो खाना वाना खा लिया है, अब यहाँ से आगे जा रहे हैं किनारे की तरफ, हरजीना की तरफ। यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस अब निकलते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच के किनारे पे। तो अभी हरजीना पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से अब सामान वगैरह रख लेंगे लॉन्च के अंदर, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। बस अगर सामान वगैरह रख रहे हैं, अब इस लॉन्च में थोड़ा सा मसला आ गया, देखते हैं कितनी देर में सही होती है, फिर यहाँ से निकलेंगे। और अभी भाई गाड़ी लगा रहे हैं लॉन्च के पास, सामान उतार भाई फटाफट लगा लें। तो आप लोग भी सोचते होगे बार बार हरजीना, बार बार हरजीना। तो बेसिकली एयरपोर्ट है, यहाँ से फ़्लाइट जाती है। अब जैसे जगह होती है ना समंदर की भी जगह, अब जैसे एक जगह है ये हरजीना, यहाँ से लॉन्च मिलती है, तो फिर जहाँ पे दिल चाहे वहाँ पे जाके खेल ले बंदा। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, तो यही सीन है, बस इस वजह से बार बार हरजीना आते हैं। तो थोड़ी देर में बस निकलेंगे, सामान वगैरह रख रहे हैं, निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे, जब तक आप समंदर इंजॉय करें। तो अभी लॉन्च पर चढ़ चुके हैं, और पता चला बैड न्यूज़ कि इसका पंखा टूटा हुआ है, वो वेल्डिंग करवाने गया हुआ है। अब देखते हैं कितनी देर में आता है ये, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। आगे सारे वेट कर रहे हैं, अभी बैठे हैं अली भाई और ये नए भाई हैं, इनका नाम ही भूल जाता हूँ मैं, नवेद भाई। नवेद भाई वेट कर रहे हैं, नज भी वेट कर रहे हैं। नवेद भाई पहले गए कभी आप? काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं। अच्छा, हाँ तो ये हमारे साथ नए जा रहे हैं, और ये सलीम भाई हमारे, इनकी कश्ती है ये वाली, इनके साथ हम लोग जाते हैं। तो अभी यहाँ पे कीड़े होते हैं गुल्ले, वो पकड़ने जा रहे हैं लोग, तो जाल होता है ऐसे पकड़ते हैं और वही फेंकेंगे। ऐसे फेंकते हैं और वही पकड़ेंगे। ये हमारा जानू है। हाँ क्या बोल रहे थे आप? अभी है जाल का वारा, फिर आएगा धोरिया का वारा। ये बड़े बड़े दाने मारेंगे इंशाल्लाह। ये जानू हमारे लिए मेहनत कर रहा है, गुल्ले पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है छोटी चारे के लिए। तो अभी पकड़ रहे हैं बस ये लोग, फिर यहाँ से जाएंगे आगे, वहाँ खेलेंगे शिकार। पकड़े जानू ने 4-5 बोई, ये डाल दी ड्रम में। तो अभी जो दो जाल डालें, लेकिन चारा इतना लगा नहीं है, क्योंकि सीजन नहीं है गुल्लों का भी, तो गुल्ले इतने हैं नहीं, बस थोड़ी सी लगी है। यहाँ कीचड़ बहुत है, और यहाँ पे सीपियाँ हैं, पाँव कट रहे हैं, पाँव काट देते हैं, उस पर देख के पाँव रखना पड़ता है, वरना पाँव कट जाता है। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट वमेंट कर दो, कोई अच्छा था। तो यहाँ सीपियाँ बहुत हैं भाई,
चुप रही हैं। मैं तो जा रहा हूँ वापस कश्ती के अंदर, और लांच खड़ी हुई, पाँव की भी हालत देख सकते हैं कैसी हो गई है। तो बस कश्ती में चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे खेलते हुए शिकार। तो ये होते हैं गुल्ले जो ये लोग पकड़ लेते हैं, देख रहे हैं ना, नज़र आ रहे हैं। तो बस अब आगे जा रहे हैं, जब तक समंदर इंजॉय करें, फिर मिलते हैं आगे शिकार करते हुए, आई होप। तो फाइनली एक पॉइंट पर रुके हैं बुखार के मुंह पे, अब यहाँ ट्राई करते हैं, डोरे वगैरह डाल लें लोग सारे, ट्राई करते हैं कोई दाना लगेगा दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बिस्मिल्लाह हो चुकी है, दाना लग चुका है पहला धनिया, छोटा ही है, बड़ा सज्जाद भाई ने दाना पकड़ लिया, अभी निकाल निकाल तो लो, रीटैक हो रहा है, आने दो आने दो, ओह माय गॉड, ओए होए देखते हैं हो सकता है कोई बड़ा लग गया, अच्छा जल्दी से आ जा भाई जल्दी। अबे यार क्या हो रहा है ये, आज भाई ने फिर कुछ पकड़ लिया, अरे वाह भाई वाह, दो एक साथ, एक धंधिया एक बोरा, वाह वाह। और ये अनस ने धंधिया पकड़ा, छोटा धंधिया सही है, डाल दो, क्या आया भाई धंधिया, वाह वाह सज्जाद भाई ने पकड़ लिया है धंधिया धंधिया। तो बाकी अभी बस वही धंधिया धंधिया लग रहे हैं, छोटे छोटे रात का खाना जमा कर रहे हैं, बाकी चाय बन चुकी है, चाय पी रहे हैं, तो ट्राई कर रहे हैं कोई बड़े दाने की, डोरे वगैरह लगाई हुई है, सही सज्जाद भाई तो दबा के धंधिया निकाल लें, धंधिया बोल लें निकाल जल्दी, वीडियो बना, बहुत मज़ा आया हमें। तो बस अब चाय पी रहे हैं, चाय पीते हैं, ट्राई करते हैं कोई बड़ा दाना लगे तो खाएंगे। और ये फिर से एक धंधिया मुझे लग चुका है भाई, यही साइज़ वाले धनिया जमा हो रहे हैं, रात के खाने की सेटिंग बन रही है बस। और ये मुझे लगा हीरे का बच्चा, लग गया मुझे दाना डालने का, बादल भाई की बेइज्जती हो जाएगी, चेंज हुई है मछली धनिया के बाद हीरा लगा है, बाकी डोरे लगाई हुई है बड़ी। तो अभी रुके हैं बंगाली की झोपड़ी पे, यहाँ पे चारा मारेंगे झींगा, टाइम हो गया था ऐसे ऐसे हम वहाँ से निकले, हमने बोला रोशनी रोशनी में इधर पहुँच जाते हैं, अब ऐसे हमारा लोग करीब ही है, थोड़ी सी थोड़ा सा दूर है इधर से, अभी यहाँ से झींगा मारते हैं और यहाँ चेक भी करते हैं, हो सकता है कोई दाना वाना लग जाए। और सज्जाद भाई ने गोली का पट्टा पकड़ा है रात में, ओ अभी, और ये दोनों ने एक साथ पकड़ा, और ये दो खग्गे लग चुके हैं, उठाएं थोड़ा सा, क्या नाम है ये साइज़ वाला एक कग्गा, ये लगा ये क्या नस को लगा, दो गोली के पट्टे और आ गए छोटे छोटे, उन्हें पकड़े दो एक साथ, बस यही चल रहा, गोली के पट्टे लगे हैं, वो झींगा मारने गया हुआ, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो झींगा मार चुके हैं और शिकार अभी ये हुआ है, खाने की सेटिंग हो गई है, अभी खाना वाना मंगाएंगे और झींगा दिखाते हैं आपको। तो अभी दूसरे पॉइंट पर आए हैं, ये चेक कर रहे हैं, यहाँ चेक करते हैं जो भी लगेगा फिर दिखाएंगे, ट्राई कर रहा हूँ। और माशाल्लाह पहला हीरा आ गया, सही है साइज़ वाला, मैंने पकड़ा ही है, सारे खेल लें, बोरे वोरे भी लग रहे हैं, और ये माशाल्लाह है हीरा लगने स्टार्ट हो गए, सही है साइज़ वाले हीरे छोटे छोटे स्टार्ट हो गए हीरे। तो अभी टाइम हो रहा है, डेढ़ बज रहा है रात का, और अभी हम रात का खाना खाएंगे, खाना रेडी हो चुका है, बस आ रहा है वहाँ से यहाँ, बाकी सारे, एक बच्चा हमारा बेचारा चमचा लेके बैठा हुआ है, चमचा लेके बैठा हुआ है चावलों के इंतज़ार में। और ये खाना रेडी हो चुका है, मछली चावल पकाया हमने, और ये सलाद है, और बस अब खाते हैं फिर मिलते हैं खाना खा के आपसे। तो भी खाना वाना खा लिया है, खाना बड़ा मज़े का पका था, मज़ा आ गया, अब चाय पी रहे हैं। और शिकार की पोजीशन कुछ जिस तरह है कि छोटे छोटे बोरे लग रहे हैं बस, और माशाल्लाह से ये गोली लगी है, साइज देख सकते हैं आप, ये आवाज़ भी निकाल ली, अच्छी गोली है ये। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7,
और ये दोबारा काला धनिया लग चुका है, मुझे लगा ही वाला सही है साइज माशाल्लाह। देख सकते ये दो दाने लगे पड़े, मजा आ गया। तो अभी अभी सुबह हुई है, सारे खेलने और ट्राई कर रहे हैं, और ये गुल्ला लगाया हुआ है, अब इसको फेंक रहे हैं। तो अभी लगे दो बड़े दाने, रात में एक लगा गोली और अभी सुबह लगा एक काला धनिया। बाकी सारे अभी नाश्ता कर रहे हैं, चाय बन चुकी है और चाय और पापे खा रहे हैं। और छोटी भी तो बेहिसाब लगी थी रात में, एक काला धनिया लगा था, एक गोली, गोली बड़ा है। तो अब ये चल रहा है, ट्राई कर रहे हैं, और जो कोई बड़ा दाना लगेगा तो फिर आपको दिखाएंगे। बाकी अभी ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अब आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ चेक करेंगे। तो अभी स्टॉप लिए बंगाली की झोपड़ी पे, यहाँ पे डोरे वगैरह डाली हुई सबने, खेल रहे हैं, छोटे छोटे धंधे लग रहे हैं अभी तो इधर फिलहाल, बस ट्राई कर रहे हैं। और एक उकड़ लग गया अभी भाई को, साइज वाला है माशाल्लाह, खुश हैं बहुत। ये कुकड़, कुकड़ लगा है भाई, कुकड़ ला स्कूटर वाला कुकड़। तो अभी स्टॉप लिया बाल्टी वाला, बंगाली की झोपड़ी पे खड़े हुए थे, वहाँ पे पानी थोड़ा सेटिंग आउट थी पानी की, तो यहाँ पे आए इतनी देर में, पानी पानी थोड़ा सेट हो गया, अब यहाँ ट्राई करते हैं, देखते क्या लगता है। बाकी वहाँ कुकड़ लगा था, अब यहाँ देखते क्या लगे। और यहाँ पे अभी गर्मी बहुत होने वाली है थोड़ी देर में, अभी टिक्का फ्राई हमारा बनेगा इधर, तो शायद हम अभी शेड वेड लगाएंगे इसके नीचे। जानू लगा रहा है शेड, अभी दिखाता हूँ कैसे लगा रहा है शेड। ये हमारे सारे शिकारी तैयार हो गए डोरे डालने के लिए, और ये हमारा शेड लग रहा है। चलो भाई स्टार्ट, 1 2 3। तो यहाँ पे आप ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, जो लगेगा फिर दिखाएंगे, अगर कोई बड़ा दाना लगता है तो। छोटे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन अब छोटे छोटे हर सारे थोड़े दिखाते रहेंगे, अब कोई बड़ा दाना लग रहा है तो दिखा रहे हैं। बाकी अभी डोरे वोरे डाल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बस। और ये हमारी लॉन्च का शेड बन चुका है। तो अभी आए सालम पट पे, वहाँ तो बाल्टी वाले पे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो सालम पट पे आ गए, करीब ही था थोड़ा सा आगे, तो आ गए। अब यहाँ ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। और ये अनस भाई ने दो धंधी एक साथ पकड़े हैं भाई, छोटे छोटे सही है, लेकिन बाकी हमारी जगह पे धूप आ गई तो हम इधर आगे बैठ गए, ये गलत सीन हो गया हमारे साथ, धूप आ गई हमारे पास। बाकी नवेद भाई भी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं, सारे ट्राई कर रहे हैं। सज्जाद भाई ने देखो लो भाई, ये हो क्या रहा है, ये बोला तो आपने इसमें कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा 4-5 किलो का आ रहा है भाई, जला पत्थर निकला है। तो अभी खाने की तैयारी हो रही है, खाना पकाएंगे, देखने क्या पकाते हैं। आलू बिरयानी का ही लग रहा है सीन, अब देखते हैं क्या पकता है। और ये मुझे अभी खग्गा लगा है साइज वाला, हाँ वाइट है। और ये हमारी मछली बिरयानी रेडी हो चुकी है, और ये मछली रखी हुई अभी थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ी देर में हो जाएगी, 5 मिनट में। और मछली बिरयानी तैयार हो चुकी है, अब खाते हैं और फिर मिलते हैं खा के। तो भाई खाना वाना खा लिया है, बहुत मज़े का खाना बना था। और ये अभी भाई वाह वाह कर रहे हैं, कैसा था खाना? ज़बरदस्त आली भाई, अभी तक खा रहे हैं, क्या नाम है, मज़ा आ गया। असज्जाद भाई बेहतरीन। तो भाई आज का शिकार कैसा हुआ है? हाँ भाई ठीक था, मज़ा आया इस बार है ना, शिकार सही हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, सही हुआ है ना। तू तो माहिर है, बस ऐसा ही है, बस ठीक है। अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, फिर किनारे मिलते हैं आपसे। और ये सहरी लग गई है, ये बहुत खतरनाक होती है,
इसके ऊपर अगर हाथ लग जाए आपका तो आप बीमार हो जाओगे, बहुत खतरनाक किस्म के। तो फाइनली किनारे पर आ चुके हैं, तो इस व्लॉग को जरिए एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो शिकार जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है, लेकिन बस ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।